गुड मॉर्निंग एवरी वन. इन लास्ट क्लास वी लर्न चैप्टर नंबर 12 वर्क इज वर्कशीट. ये हमने समझा था. आगे का चैप्टर आज हम करेंगे. ओके सो चिल्ड्रन, हमने इसमें सीखा था मोहित और राहुल टू फ्रेंड्स होते हैं. उसमें मोहित कैसा बच्चा है और राहुल कैसा, इसके बारे में बताया था. राहुल वॉज ऑलवेज फाउंड वर्किंग वेरी हार्ड. राहुल हमेशा हार्ड वर्क करने के तत्पर रहता था और मोहित हमेशा टाइम पास करता था. ये हमने इस चैप्टर में सीखा था. आगे का चैप्टर हम कर रहे हैं राहुल. मोहित, व्हाई डू यू वेस्ट योर टाइम ऑलवेज. राहुल बोलता है मोहित से, तुम हमेशा टाइम वेस्ट क्यों करते रहते हो, अपने समय को क्यों ऐसे ही व्यतीत करते. मोहित, नो नो. राहुल, आई एंजॉय माई लाइफ. मोहित बोलता है, नहीं नहीं, मैं तो अपने लाइफ को एंजॉय करता हूं. राहुल, इज दिस एंजॉयमेंट रियल एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ इज इन वर्किंग. तो राहुल बोलता है, क्या ये सच में एंजॉयमेंट है, हकीकत में यही होता है क्या. इज दिस एंजॉयमेंट रियल एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ इज इन वर्किंग. काम करने ही सबसे अच्छा एंजॉयमेंट होता है. मोहित, बट आई डोंट लाइक वर्किंग एज आई बिलीव दैट गॉड विल गिव मी एवरीथिंग आई वॉन्ट. मोहित कहता है, बट आई डोंट लाइक वर्किंग. मुझे काम करना पसंद नहीं है, भगवान ने मुझे सब कुछ दे रखा है, एवरीथिंग दैट आई वॉन्ट. एज द सीजन्स चेंज, सीजन्स बदलते हैं. वन डे मोहित सन फेल इल एंड ही हैड नो मनी टू कॉल अ डॉक्टर. एक बार क्या होता है, इस प्रकार से दिन भी बदले जाते हैं, सीजन्स बदलते हैं. तो एक बार मोहित का बेटा बहुत बीमार पड़ जाता है. ही हैड नो मनी टू कॉल अ डॉक्टर. उसके पास डॉक्टर को बुलाने तक का पैसा नहीं होता है. ही हैड टू बोरो मनी फ्रॉम राहुल. तो वो राहुल से उधार पैसे लेता है. ही हैड टू बोरो मनी फ्रॉम राहुल. वो राहुल से उधार पैसे लेता है. इट वॉज द डे ही अंडरस्टूड दैट वर्क इज वर्शिप. उस दिन उसको समझ में आता है कि कार्य ही पूजा होता है, हमें हमेशा काम करते रहना चाहिए. एंड द देर आफ्टर ही ऑल्सो स्टार्टेड वर्किंग इन द लाइफ. उसके बाद से उसने काम करना शुरू कर दिया. ओके बच्चों, तो ये आपको समझ में आया लेसन, हमें हमेशा काम करना चाहिए, आलस कभी नहीं करना चाहिए. सो चिल्ड्रन, आपको ये लेसन की रीडिंग भी लगाना है. से लाइक सीजन्स ऑल डेज इन वंस लाइफ. ये आपको लेसन की रीडिंग लगाना है अच्छे से, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी. तो ये आपको लेसन की रीडिंग लगाना है, वीडियो को अच्छे से देखना है और समझना है. ओके चिल्ड्रन.